तो भाई यार आज आपको एक बैड न्यूज़ देनी है। बैड न्यूज़ ये है कि ये जो मेरे साथ एक इंसिडेंट हो गया, एक्चुअली मेरी बाइक का क्रैश हो गया है। ये क्रैश हुआ था मॉर्निंग के टाइम पे, लेकिन मुझे ऑफिस पहुंचना था तो मैं जैसे तैसे बाइक को लेकर निकल गया, और अभी भी बाइक उसी हालत में है। और मैं अभी दिखाता हूँ, कहीं बाइक को रोकता हूँ, उसके बाद दिखाता हूँ बाइक में क्रैश हुआ तो कहाँ कहाँ पे क्या क्या नुकसान हुआ है। पहले चलते रोड पे कहीं खाली जगह देखते हैं, उसके बाद आपको बता दो क्या क्या कहाँ कहाँ नुकसान हुआ, फिर उसके बाद देखता हूँ अगर कोई लोकल मैकेनिक हुआ कि तो उसे ट्राई करूँगा कि थोड़ा बहुत जो भी हो सकता है, मुझे लगता है वो लोकल शॉप पे लोकल मैकेनिक पे हो जाएगा, तो वो कराने के लिए ट्राई करूँगा। बट पहले एक बार मैं आपको दिखा दूँ कि बाइक कहाँ कहाँ क्रैश है। और यार मेरी बाइक का ये पहला क्रैश है। अब कैसे हुआ, क्यों हुआ, वो तो एक अलग बात है, छोड़ दो यार। मैं पूरे का पूरा जो है कहते हैं ना वो इंसिडेंट रिक्रिएट तो नहीं कर सकता, बट ये है कि अपना नुकसान हो गया यार, अच्छा खासा ही कहूँगा मैं, दिखाऊँगा पहले, अभी चलता हूँ। और मैं जस्ट अभी ऑफिस से आया था, मैंने कहा चलो यार, सुबह से बहुत मूड ख़राब था यार, ना जाते वक्त ना आते वक्त मैंने कैमरे को हेलमेट पे नहीं लगाया था, इसी वजह से मैंने सोचा यार घर आ गए अब तो, चलो घर पहुंच गए तो एक बार यार ये जो भी हुआ है इसे शेयर कर देता हूँ। यहीं पे लगाता हूँ कहीं आसपास बाइक। यहीं लगा देता हूँ यार, यहाँ पे ठीक है। तो हुआ क्या था मैं बताता हूँ आपको। एक्चुअली हुआ क्या था, मेरी जो बाइक का जो टेल सेक्शन है उसे बस ने हिट किया था। स्कूल बस थी, हालांकि ज़्यादा स्पीड पे नहीं थी, लेकिन वहाँ पर बस ने हिट कर दिया। और दिखाता हूँ कहाँ का क्या क्या नुकसान हुआ। और एक साइड पे राइट हैंड पे जो है मेरे, सॉरी लेफ्ट हैंड पे बाइक गिर गई थी। तो सबसे पहले देखो यार, एक तो पूरा का पूरा टेल, इसके जो लाइट है ना, इसका जो ग्लास है लाइट का हो गया। हालांकि लाइट अच्छे से काम कर रही है, लाइट में कोई भी दिक्कत नहीं, बट इसका ग्लास गायब हो गया। अब मुझे क्या लगता है ना कि यार इसका अलग से ग्लास तो नहीं मिलेगा, ये पूरा का पूरा जो जो टेल लाइट यूनिट है पूरी की पूरी रिप्लेस हो गई। अभी मैंने पता भी नहीं किया, बाकी नंबर प्लेट यहाँ पे बस ने हिट किया, जो भी बस का पोर्शन यहाँ लगा होगा तो यहाँ से पूरा का पूरा नंबर प्लेट भी थोड़ा सा डैमेज होगा। अभी से देखूँगा किसी तरह हो पाए तो ठीक है, नहीं तो नई के लिए अप्लाई करके नई लगाऊँगा यहाँ पे। एक दो दो हो गए, तीसरा जो मेरा ये है ना जो गियर शिफ्टर है, ये भी थोड़ा बेंड हो गया है बाहर की तरफ। अब बेंड में देखा, सिर्फ यही जो आगे का जो आपका जो आगे का जो पोर्शन है सिर्फ यही बेंड हुआ, बाकी तो लीवर ठीक है, सिर्फ ये वाला पोर्शन बेंड हुआ है। इसे अगर मैं थोड़ा सा ऐसे किसी चीज़ से मैकेनिक के पास थोड़ा सा ऐसे बेंड करूँगा तो ये करेक्ट हो जाएगा। और चौथा जो मेरा नुकसान है वो ये है कि इसका जो जो क्लच लीवर है ये भी बेंड हो गया है। हालांकि ये और ये दोनों तो मैं लोकल मैकेनिक से ठीक करा लूँगा, क्योंकि ये बैंड हो गया, टूटा नहीं है, अच्छी बात है टूटा नहीं है। होंडा ने यहाँ काफ़ी अच्छा काम किया, क्योंकि मैंने कहीं पर नोटिस किया है जब भी बाइक गिरती है तो बैंड हो जाता है। नहीं तो होता क्या है ना, बाइकों में थोड़ा जो पाउडर मटेरियल से होता है, डेक्चून बोलते हैं जिसे, उस मटेरियल से बने होते हैं, जहाँ पर भी बाइक गिरेगी ये टूट ही जाता है। लेकिन यहाँ पर होंडा ने मुझे लगता है अच्छा काम किया है कि गिरने के बाद ही बैंड हो जाता, टूटता नहीं है। तो एक और ये वाला गियर, जो गियर शिफ्टर है, इन दोनों को तो मैं ट्राई करूँगा कि लोकल मैकेनिक के पास जाकर थोड़ा अगर कर पाए तो इसे ठीक करा लूँगा बाकी। और हाँ यार, एक और मेजर जो है मैं भूल गया बताना आपको, ये दोनों चीज़ देख रहे हो आपको, जो टायर जो मड़गार्ड है रियर का, रियर सेक्शन का, यहाँ पर यहाँ से पूरा बैंड हो गया, यहाँ से यहाँ पर आप देख रहे होंगे दो जगह से। अब इसे भी ठीक कराऊंगा, हालांकि ये भी शायद मुझे लगता है कि लोकल मैकेनिक के पास से हो जाएगा, थोड़ा सही है बाहर को आ गया, अगर मैं इसे अंदर किसी तरह अंदर को दबा दूँ तो ये भी ठीक हो जाएगा, कहीं भी क्रैक वगैरह नहीं आया है। और यहाँ पर एक बात है यार, होंडा ने बहुत जो इस बाइक ने बहुत अच्छे से जो जो हिट था बस का जो हिट था उससे अच्छे से एब्जॉर्ब कर लिया। यहाँ की ये कह सकते हो ये बिल्ड क्वालिटी बाइक की काफ़ी अच्छी दी है। बाकी नंबर प्लेट, टेल सेक्शन लाइट, आपका मडगार्ड, गियर शिफ्टर और ये क्लच लीवर, पांच जगह बाइक को डैमेज हुआ है। अब देखता हूँ किसी लोकल मैकेनिक के पास जाके अगर कोई मिल पाया तो ठीक कराऊंगा, लेकिन ये तो मुझे कराना ही पड़ेगा, या तो मैं घर पे करूँगा अगर नहीं कुछ बाहर से बात बनी, क्योंकि मुझे अभी चलाने में थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, ज़्यादा नहीं है पर दिक्कत हो रहा है, ज़्यादा
ज़्यादा दिन में ऐसे ऐसे नहीं चला सकता, गियर शिफ्टर तो कराना ही पड़ेगा, सॉरी क्लच लीवर का जो ये है क्लच लीवर ये तो मुझे करेक्ट करना ही पड़ेगा आज के जैसे तैसे। बाकी इससे मुझे कुछ खास दिक्कत है नहीं गियर शिफ्ट करने में, बाकी ये काम तो ये वाला जो काम है ये तो सर्विस सेंटर से ही हो पाएगा। इसका ग्लास आई होप कि इसका ग्लास अगर कहीं अलग से मिलता हो तो वेल एंड गुड, नहीं तो पूरी की पूरी ये जो यूनिट है। तो चलो यार लोकल मैकेनिक के पास एक बार ट्राई करता हूँ, अगर छोटे मोटे काम अगर ये हो पाए ये कराता हूँ।